यस सर, कैनॉन है वो? यस सर। हाँ तो रिकॉर्डिंग चेक करेंगे। शाफ्ट एक रॉड रहता है जो मोटर और पंप को एक साथ लेता है, मतलब कनेक्ट करता है। शाफ्ट एक रॉड रहता है जो पंप और मोटर को कनेक्ट करता है। चलो एक वैलिड पॉइंट है। हां शाफ्ट एक ये जो रनिंग करने में रनिंग करने में मदद करता है। रनिंग कौन कराता है? मोटर कराता है, तो फिर वो रनिंग कराने में मदद नहीं करता है, वो कनेक्टेड करके रनिंग कराता है। एक पार्ट को उसने कनेक्ट ठीक है, थोड़ा अभी हम दुकान करो पता चल जाए काम कर जाता है। और कौन? हाँ वो उधर साफ घूमता है। हाँ साफ घूमता है, बट है क्या को उतना कर ध्यान मत दो,
जा रहा है कि नहीं जा रहा है। मतलब बेसिकली क्या होता है ना कि जितना कैपेबल हो कि वो मुड़े ना, मतलब कि
a power transmission device used to transfer power from driver to device. I'm going to provide it. Yeah, 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 yeah.
एक जगह पावर को लगाते हैं, दो तीन को अलग 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 गियर लगा देते हैं। गन्ना वाला के पास देखे वो इस साइड में जब घुमाता है तो उल्टा साइड में गियर रहता है, छोटा छोटा गियर से पावर ट्रांसफर होता है। तो गियर बहुत लंबा दूरी के लिए इस्तेमाल नहीं करते हैं, शॉर्ट डिस्टेंस के लिए, बहुत लंबा के लिए 15-20 सेंटीमीटर का हुआ तो वेट यूज करते हैं, छोटा वाला वेट डी वेट बोलते हैं उसको। बहुत ज्यादा लंबा है तो कन्वेयर वेट, और डिपेंडिंग अपॉन की थोड़ा सा 15 सेंटीमीटर से ज्यादा है तो चेन वेट यूज कर देते हैं। शार्प हो गया हम लोग का। दूसरा पॉइंट आ रहा था क्या देखते सील और वायरिंग और सील कहीं हीट ना हो जाए इसके लिए, कहीं हीट ना हो जाए नहीं, वायरिंग एक्चुअली हम लोग यूज करते हैं। थोड़ा सा दिमाग लगाओ, मैकेनिक के पास जाते हो बाइक वाइक से जम ना लगते हो, हां जम के लिए सब कुछ आवाज चल रहा है, हां सही से चल। अरे रुको ना यार, तरीका नहीं है जो इसीलिए बोल रहे हैं। हां सब कुछ आवाज करता है अलग टाइप का मशीन में, हां तो उसमें हां बोलो सदा कम यहां पर ग्राउंड नहीं कह रहे हां करंट नहीं लगे कोई चीज सुनने जैसे कोई भी नहीं आवाज आना स्पार्क नहीं करेगा, स्पार्क नहीं करेगा। नहीं 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 हाँ बोलो जैसे सर प्रेशर को कंट्रोल करता है, नहीं थोड़ा सा एकदम कॉमन से लगाओ ज्यादा बड़ा नहीं, बोलो सर उसमें जो बेयरिंग वगैरह होता है ना उसमें बिना ऑयल का रोटेटिंग होगा तो वो घर्षण से पतला हो सकता है, खराब हो सकता है। लगा रहता है रबर लीकेज को रोकेगा,
जरूरी नहीं कि हर वायरिंग रबड़ का ही हो, कागज का भी होता है, कुछ मेटल का भी होता है, सिंपल सा चीज है वायरिंग, इसीलिए बोले सिंपल था। मैकेनिक के पास जाओ ना तो बैठो 10 दिन 5 दिन, मतलब जैसे अपना भी काम करने लगते हो ना तो वहां पर भी जाकर किसी से फोन लगा करके बात मत करने लग जाओ, पब्लिक वब्लिक मत खेलने लगो, थोड़ा सा मतलब देखो क्या कर रहा हूँ मैकेनिक। तुमको जरूरी नहीं कि वहां से तुमको मैकेनिक बनने के लिए तुम मैकेनिक सीख रहे हो, उसको समझ में आ रहा है। हम याद है छोटा थे तो हमको कार मतलब उस वक्त तो लाइसेंस नहीं था, मतलब 7-8 में लाइसेंस किसके पास आएगा, लेकिन कार अपना लेके जाते थे बनवाने के लिए, मैकेनिक जब तक पूरा बनाएगा नहीं वहीं पे बैठे रहते थे, चाहे वो इंजन खुल रहा हो चाहे कुछ भी खुल रहा हो, और कार का बहुत पुराना एम्बेसडर उसमें कुछ ना मैकेनिकल पूरा कार का था। अब इस समय इलेक्ट्रॉनिक्स का बहुत सारा कॉम्पोनेंट यूज होता है, ब्रेक के लिए भी कॉम्पोनेंट इलेक्ट्रॉनिक का यूज होगा, सारा सर्किट ही इलेक्ट्रॉनिक्स का होता है, उस टाइम मतलब पूरा का पूरा पार्ट्स मैकेनिकल होता था, लेकिन पार्ट खुलता इसीलिए बोल रहे तुमको मैकेनिक नहीं बनोगे, लेकिन आधा से ज़्यादा मेरा मैकेनिकल गेम खाली बिना पढ़े ही सब में निकल गया, क्योंकि ऑलरेडी हम पार्ट्स जाने में वर्किंग फंक्शन जाने में टेक्निकल क्या पढ़ने ही हो रहा है, कलर्स के बारे में पढ़ाई हो रहा है, ऑटोमोबाइल पे बुक हम छुए भी नहीं है, बस जाके एग्जाम दिए, समझ में आ रहा है। हर एक सेमेस्टर में 5-5, 6-6 पेपर होता है उन लोग का, अगर ये नहीं करोगे तो हर एक सेमेस्टर में 5 या 6 पेपर होगा, और टोटल कितना है 4 ईयर है, 4 ईयर मतलब 8 सेमेस्टर में कितना पेपर हो गया, 30 से 35 के पेपर है, 40 से कुछ ज्यादा या कम है, क्योंकि लास्ट पे 3 ही बचता है, 3 या 4 पेपर आता है फाइनल एकदम एग्जाम में, तो बहुत सारा ऐसा पेपर है जो पढ़ने का जरूरत नहीं पड़ा, क्या कहेंगे बेसिकली पार्ट जानते हैं, कलर्स क्या काम करेगा, ब्रेक क्या काम करेगा, सिर्फ जानने से नहीं उसके ऊपर न्यूमेरिकल बनाना पड़ता है, लेकिन बेसिक अंडरस्टैंडिंग ही नहीं है तो न्यूमेरिकल कहाँ से बनेगा, समझ में आ रहा है। तो इसीलिए बोले कभी भी चाहे कोई तुम्हारे घर में प्लम्बर कहे नहीं है बैठ के देखो क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, उससे अंडरस्टैंडिंग बनेगा, समझ में आया चाहे नहीं है उसको, उसका दिमाग खोल लो थोड़ा सा, पूछ लो क्या है, ठीक क्या कर रहे हैं, काहे बदल रहे हैं, समझ में आया। तो इसीलिए बोलते हैं हर एक जगह पे जहाँ पे लीकेज से बचाना है उनको वहाँ पे यूज हो गया वायरिंग। और अब तीसरा टॉपिक जो हम लोग का बन गया, अच्छा इसको लिखा देते हैं, इसको लिखा देते हैं वायरिंग क्या करेगा, अच्छा से पकड़ने के लिए नहीं,
हाँ बोलो सर, पैकिंग भी ऑयल लीकेज होने से होता है। पैकिंग जो देते हैं दो चीज अगर आते हैं तो बीच में पैकिंग देते हैं उसको, वो भी ऑयल लीकेज होने से होता है। हाँ, तुम्हारा इसी का लीकेज से ही बचाने का काम करता है, लेकिन एक्यूरेट थोड़ा नहीं था। दोनों वायरिंग और सील दोनों का एक ही काम है, लीकेज से ही बचाएगा। समझे? वायर सील रिंग या वायरिंग या वायर सील या सील पैकिंग कुछ भी बोल देंगे तो सबका काम क्या है? लीकेज से बचाएगा, प्रिवेंट फ्रॉम लीकेज। कॉन्सेप्ट क्लियर है यहाँ पे? यस सर। आप लिखाते हैं
वीडियो भेजे हमको याद दिला देना आप, ठीक है? उसको बढ़िया से देखना गैस सर्कुलेट कर रहा है सीन का, ठीक है? ये सीन है, ठीक है? ठीक है, इधर का पार्ट होगा, क्लियर हो गया? वायरिंग सील चार्ज इधर क्लियर हो गया? यस सर। इससे पहले कपलिंग कुछ कोई सुना है? कपलिंग होता है यहाँ बता, का पहले फिर आप बता बताओ होगा कपलिंग सर ये शॉफ्ट जो है उसको जोड़ने का कपलिंग काम करता है, जैसे दो शॉफ्ट है उसको जोड़ने के लिए बीच में जो ये है ना उसी को कपलिंग कहते हैं, जैसे दो एलिमेंट्स हो गया उसको जोड़ेंगे तो कपलिंग बीच में जाएगा उसी को बढ़िया। यही था दोनों काम का कपल, मतलब सीधा क्या होता है यहाँ कपलिंग छोड़ो, कपल मतलब जोड़ा जोड़ा जोड़ देते हैं कपल हो जाता है। अभी मोटर का शाफ्ट निकल रहा है, मोटर का क्या निकल रहा है शाफ्ट, मोटर में जैसे अपना छोटा मोटर भी चलाते हैं तो छोटा शाफ्ट निकलता है, और पंप के लिए भी देखो शाफ्ट निकलेगा, पंप के लिए शाफ्ट निकलेगा ना, पंप को घुमाने के लिए उसका एक कनेक्शन निकलेगा ना, दोनों को आपस में क्या करना पड़ेगा जोड़ना पड़ेगा, उस जोड़ने का प्रोसेस को क्या बोल रहे हैं कपलिंग, बहुत इंपॉर्टेंट है कपलिंग। अब कपलिंग क्या होता है ना, तो उसका देख लो कपलिंग बहुत चीज क्या होता है, सबसे बेसिक एक तो मोटर का निकालना होगा, हाँ ये देखो मोटर पंप इसमें क्या किए है जोड़ने, इस पार्ट को बोल रहे हैं कपलिंग, ठीक है? कपलिंग में बहुत टाइप होता है, देखो यहाँ पे देखो तो ये कुछ यहाँ पे फंसा हुआ है ना, और बीच में रेड रेड कुछ दिख रहा है ना, वो क्या हो सकता है रेड रेड उसको रोकने के लिए तो इस टाइप का जो कपलिंग है ना, इस टाइप का कपलिंग को क्या बोल रहे हैं, नहीं रबर कपलिंग नहीं बोलेंगे इसको बोलते हैं कुछ नाम है स्पाइडर कपलिंग, स्पाइडर कपलिंग, स्पाइडर कपलिंग आप दिखाते हैं तो आप सही भी करा रहे हैं यस सर, है ना? अच्छा स्पाइडर कपलिंग ये तो मोटर पंप का बात का हो गया, कहीं इस तरीके का कपलिंग और कहीं देखे हो? हाथ उठाना, हाथ उठाना, अरे यहाँ कदम आदत नहीं छोड़ा बोलो बाहर सब खम्बे सब तो वो घूम नहीं कर रहा है, ये कपलिंग कहाँ करें हम लोग, दो पार्ट है जो एक रोटेटिंग है ये दो रोटेटिंग पार्ट ही है, ड्राइवर एक रेमेन है। अब बोलो और सर पैंप बीच में तो कपड़े नहीं लगा होता है।
देखते हो ना अंदर से रबड़ निकलता है क्या इस पॉकेट में आता है पावर चेन का पीछे वाला इस पॉकेट पॉकेट मतलब चेन यहाँ पे पीछे वाला चेन कहाँ रहता है वहाँ से ताकत आ गया वहाँ से चक्का में जाना है चक्का में वही कनेक्ट करता है ये खराब हो जाएगा ना खट खट जैसे तुम हल्का गलत छोड़ोगे ना आज करेगा प्ले आ जाएगा का फोटो यहीं पे देख रहा होगा यहाँ पे भूल जाता है यहाँ पे भूल जा देता है
अलग अलग टाइप का फ्लेंज कपलिंग पहले देख लिए, मफ कपलिंग अलग अलग एग्जाम्पल है, गियर कपलिंग तो अलग अलग है, उसमें हम लोग को ज्यादा नहीं जाना है। ठीक है, मैकेनिकल वाला पार्ट में बहुत आ जाएगा। हाँ, हम लोग का जो ये भी यूज होगा वो होगा फ्लेंज कपलिंग या स्पाइडर कप, तो ही हाँ इससे ज्यादा हम लोग। ठीक है, अब कपलिंग के बाद एक बहुत इम्पोर्टेंट है जो एक्चुअल में कपलिंग तो पहले करना है, मोटर को बैठाएंगे, पंप को बैठाएंगे, कपलिंग करेंगे। इसके बाद बहुत ही इम्पोर्टेंट है जो एक्चुअल में या पहले कपलिंग को लिखा देते हैं, कपलिंग का लिखा नहीं है, घुमाएगा तो फिर वो फोर्स से घुमाएगा। हाँ अच्छा ठीक है, फ्रिक्शन होगा।
फ्रिक्शन होगा, लोड पड़ेगा सर, लोड पड़ेगा किस सेंस में लोड पड़ेगा, कैसा वाला लोड पड़ेगा आपके पास? सर इलेक्ट्रिक लोड, मोटर अगर हुआ तो। और हाँ वो बैरिंग में प्रॉब्लम होगा सर। हाँ अच्छा, कैसे बैरिंग में प्रॉब्लम होगा? बैरिंग तो पूरा पकड़ा हुआ दोनों साइड से ना सर, तो फिर दोनों हिलने लगेगा। सबसे पहला जो प्रॉब्लम आएगा बैरिंग को डैमेज करेगा। यस सर, समझ में आया? क्योंकि सीधा कनेक्टेड नहीं है ना, एक साइड बैरिंग को ज्यादा मतलब घिसेगा, सीधा ज्यादा प्रेशर पड़ रहा है ना, उस साइड में बैरिंग को क्या करेगा, ज्यादा घिसेगा। और अगर बैरिंग ज्यादा घिसा तो वो प्ले आ जाएगा। प्ले मतलब ऐसे ढक होता है ना, प्ले है सर, प्ले। हाँ मतलब प्ले कौन, मैकेनिक के पास ही जाना पड़ेगा। प्ले मतलब क्या होता है, जाओ थोड़ा ले जाकर मैकेनिक के पास बैठना, मतलब पैसा नहीं लेंगे लेकिन काम करेगा आपका, गैप हो जाता है उसको प्ले। हाँ हल्का प्ले, वो हमको पता है, हम समझा सकते हैं, लेकिन फिर भेजते हैं इन लोगों को, जाओ थोड़ा मैकेनिक के पास बैठो, बोलो कि ये चक्का ही खोलेंगे, लेकिन रख लीजिए। चलो तो अलाइनमेंट सबसे पहला प्रॉब्लम ही हुआ है, खाली लिमिटेड तो बैरिंग नहीं है, और कोई भी खराब करेगा। दूसरा प्रॉब्लम सोचो कि अगर पंप में अलाइनमेंट सही से नहीं है तो और क्या प्रॉब्लम। हाँ शाफ्ट तिरहा हो जाएगा, शाफ्ट में डैमेज आएगा, लेकिन तो तिरहा नहीं होता है, लेकिन हाँ शाफ्ट में अननेसेसरी ये आएगा, स्ट्रेस आएगा, स्ट्रेस मतलब स्ट्रेस मतलब गुस्सा नहीं, स्ट्रेस का मतलब होता है, स्ट्रेस हम लोग वर्ड यूज करते हैं लेकिन उसका मतलब हम तो बोलते हैं बहुत स्ट्रेस हुआ हुआ है, कभी सुने हो मतलब कि बहुत, अच्छा बहुत टेंशन हुआ हुआ है, टेंशन का मतलब हम लोग बताएगा। हाँ तो बहुत टेंशन हुआ हुआ, क्या बोलते हैं बहुत टेंशन, टेंशन मत लो, ज्यादा लोड लिया, ज्यादा लोड लिया, अब लोड दिमाग पे कोई लोड लेता है क्या, मतलब 10 किलो 20 किलो देता है क्या, ज्यादा परेशानी से मतलब वो परेशानी से हुआ हुआ था। बोलो बोलो साफ टेंट हो जाएगा, हम लोग बोलते टेंशन लेना, उसका मतलब टेंशन लेना मतलब अभी हमें क्या सब फोटो बनाए थे, ऐसा जो फोर्स लग रहा था उसका नाम क्या दिए थे? ऐसा वाला था टेंसाइल, बहुत बढ़िया टेंसाइल, इसको खींच रहे हैं क्या मतलब, तो क्या होगा टेंसाइल, तो इसके अंदर टेंशन डेवलप हो रहा है, टेंशन डेवलप हो रहा है, एक्चुअली इसका मैकेनिकल का वर्ड है, टेंशन डेवलप हो रहा है, मतलब टेंसाइल लोड लगा रहे हैं तो टेंशन डेवलप हो रहा है, मतलब खींचना चाह रहा है, लेकिन अब देखो ये तो बाहर से ना तो फोर्स लगा रहे हैं, अगर थोड़ा सा और दिमाग लगा के सोचोगे ना तो इसके अंदर क्या हो रहा होगा, ये इधर से खींच रहे हैं, इसका जो मॉलिक्यूल्स है अपने आप को अंदर की तरफ खींच रहा होगा, तुम इधर से लगा के खींच रहे हो, ताकत लगा रहे हो, इधर से ताकत लगा रहे हो, बाहर खींच रहे हो, अगर ये अंदर से ताकत नहीं लगाएगा अपने आप को इकट्ठा करने का, जितना ताकत तुम बाहर से लगाओगे उतना ताकत वो अंदर से लगाएगा, जब तक इसको कुछ हिला नहीं सकते जब तक कि तुम्हारा इसका अंदर में ताकत से तुम ज्यादा ताकत ना लगा दो, समझ आ रहा है, कभी कोई चीज टूटता है, किसी को गिराना मारना है क्या करो, उससे ज्यादा ताकत लगाना पड़ेगा, तोड़ना है तो उससे ज्यादा ताकत लगाना पड़ेगा, कपलिंग को भी डैमेज करेगा, बैरिंग को भी डैमेज करेगा, और बहुत सी चीज को करेगा, हम बता रहे हैं, टेंशन जो बनाया था मतलब टेंशन लेता है कोई, तो यही वाला कि मतलब उसका जो वर्किंग एरिया उससे ज्यादा कोई काम दे दे रहा है तब स्ट्रेस आ जा रहा है, या उसके पास जितना पैसा है उससे ज्यादा कोई डिमांड कर दे रहा है तो उसको जितना कैपेसिटी उससे ज्यादा उससे वर्क कराने की कोशिश कर रहे हैं, तभी तो टेंशन डेवलप हो रहा है ना, कब तक डेवलप होगा, फिर सुनते हो सुसाइड कर लेता है, मतलब वो
साइड कर लिया मतलब टूट गया, जो बाहर का सराउंडिंग फोर्स है उससे ज्यादा उस पर लग गया। yes. और ये जो अंदर का फोर्स जो जनरेट हो रहा है ना, अंदर का जो फोर्स जनरेट हो रहा है ना, ये तो तुम बाहर से एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हो ना, ठीक है, एक्सटर्नल फोर्स है, इसके अंदर इंटरनल फोर्स जनरेट हो रहा होगा जो बाहरी फोर्स से रोकने के लिए होगा, जैसे तुमको कोई गिराना चाहता है, तुम्हारा अंदर का ताकत जागता है ना, तो अंदर वाला जितना जो ताकत जनरेट हो रहा है उसको बोलते हैं स्ट्रेस। अगली बार समझना है स्ट्रेस का मतलब क्या होता है, स्ट्रेस मत लो, स्ट्रेस मत लो मतलब टेंशन मत लो, ये जो है इसको जनरेट मत समझो, छोड़ दो, है ना, समझे ना, तो ये स्ट्रेस। अब हम इसको ऐसे करके ऐसे घुमाएंगे, वो भी तो इंटरनल, वो घूमना नहीं चाहेगा, वो भी तो स्ट्रेस हो रहा है। अब वो टेढ़ा मेढ़ा होगा तो वो भी एक साइड में ज्यादा इसको जबरदस्ती टेढ़ा करने की कोशिश करेगा तो वो इंटरनल स्ट्रेस डेवलप होगा, अलाइनमेंट सही नहीं है तो इसमें साफ्ट में क्या होगा, स्ट्रेस डेवलप होगा, अलाइनमेंट सही नहीं तो अलाइनमेंट अभी समझ में आ रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है सही करना। तो पहला क्या प्रॉब्लम क्या आया, एक बेरिंग आया, दूसरा शाफ्ट में टेंशन डेवलप, स्ट्रेस डेवलप होगा, तीसरा कपलिंग को डैमेज करेगा, चौथा क्या है, मोटर जाम हो जाएगा, बेरिंग घिस गया तो रोटर स्टेटर में स्पर्श करेगा, नहीं नहीं हाँ सील कटेगा, एक साइड से ज्यादा घिस रहा है ना, सील काट देगा, ज्यादा मतलब ये बहुत चीजों को प्रॉब्लम देता है, तो कॉमनली ये सब प्रॉब्लम है तुम्हारा, ये अगर ये सब मतलब सब रिलेटेड किससे हो गया, सब जितना प्रॉब्लम है रिलेटेड किससे हो गया, साफ अलाइनमेंट से रिलेटेड हो गया, अगर मेरा प्रॉपर साफ अलाइंड नहीं रहा, सेंटर नहीं मिला रहा, तो क्या होगा, मोटर और पंप में बहुत प्रॉब्लम है, ठीक है, याद रख लिया है, अलाइनमेंट, अभी अलाइनमेंट कैसे करते हैं वो भी देखेंगे हम लोग, पार्ट नहीं हम लोग का लेकिन फिर भी देखेंगे, जो क्योंकि इम्पोर्टेंट चीज है, बहुत इम्पोर्टेंट है, कितना तक समझ में आया कि अलाइनमेंट होता क्या है, सेंटर मिलाना किसका, पंप का शाफ्ट और मोटर का शाफ्ट, मतलब किसी का भी दो शाफ्ट का सेंटर मिलाने को बोलते हैं, लेकिन हम लोग का जो पंप के रिलेटेड पड़ा है तो पंप से ही जोड़ेंगे उसको, पंप का साफ और मोटर का साफ का सेंटर मिलाते हैं उस प्रोसेस को क्या बोल रहे हैं, साफ अलाइनमेंट। अब सेंटर कैसे मिला, बोलोगे सर नट बोल्ट से जोड़ेंगे तो सेंटर नहीं मिलेगा, बोल सकते हो ना कि पूरा टाइट कर देंगे तब तो सेंटर नहीं मिलेगा, कैसे नहीं मिलेगा देखते हैं, महान सब टेक्नीशियन तो महान ही होता है, ऐसा है कि दिमाग खराब कर रहा है, मतलब आकर के इन इंडिया सुपरवाइजर बताओ तो इसमें क्या टेढ़ा लग रहा है, देखिए तो इसे करके बोलेगा ना कि देखिए इसको मिला लीजिए, नहीं ऐसा नहीं होता है, सीधा नहीं होता है, बहुत बारीकी से करना पड़ता है, इसके लिए कुछ कुछ मशीन का यूज करते हैं हम लोग, ठीक है, साफ अलाइनमेंट में हम लोग पहले देखिए कि क्या क्या डैमेज करता है, प्रॉब्लम क्या क्या करता है, इसीलिए अब उसको सुधारेंगे करके बढ़िया साफ अलाइनमेंट करके, तो साफ अलाइनमेंट के लिए लिखते चलो, पहले टूल यूज किसका करेंगे, क्या टूल यूज करेंगे, डायल जितना यूज कर रहे हैं डायल गेज और
सीरीज का है मतलब कि देखो यहाँ पे क्या है, ये नीचे है ये ऊपर है,
तो सीम्स का नाम दिए थे सीम्स, पतला पतला पत्ती होता है पत्ती, कॉपर का होता है, ब्रास का होता है, क्या होगा ये हो सकता है नीचे है तो इसके नीचे लेग में देंगे और लेग नॉर्मल भाषा में तो क्या होता है पैकिंग, उसको क्या होता है सीम्स, वो क्या करेंगे नीचे बैठाएंगे और नीचे बैठाने के बाद इसको जितना लेबल होना है ऊपर करेंगे। अब यहाँ पे स्केल बन गया, स्केल दोनों को टच करना चाहिए, नहीं टच करना मतलब अलाइनमेंट अभी नहीं है, ये रफ अलाइनमेंट है, ये जो कर रहे हम लोग रफ अलाइनमेंट, मतलब पहले क्या करेंगे रफ अलाइनमेंट, मोटा मोटी जितना हो सकता है हाथ से सेट कर लिए। दूसरा प्रोसेस क्या करेंगे, फिर उसको मशीन से अलाइन करेंगे, जो करेंगे नहीं तो फिर यहाँ पे ही यहाँ पे वाला बैरिंग जाएगा, इसका यहाँ पे वाला बैरिंग जाएगा, इस पे अननेसेसरी टॉर्क जाएगा, अंदर में जो सील है वो चला जाएगा, एक साइड में घिसेगा ना ज्यादा, समझ आ रहा है इसको? अब कैसे करते हैं वो वाला अलाइनमेंट, वो वाला देख सकते हैं हम लोग। तो वो वाला अलाइनमेंट के लिए ना देखो दो चीजें, पहला कि अलाइनमेंट जो है ना थोड़ा इतना आसानी से नहीं होता है, पहले ही बता देता है अलाइनमेंट इतना आसानी से नहीं होता है, टाइम देना पड़ता है, एक घंटा दो घंटा ढाई घंटा इंडस्ट्री के हिसाब से, हम लोग तो आधा एक घंटा में हो जाएगा। अब पावर प्लांट में जाओगे वहां पे भी सब जगह तो मोटर लगा हुआ है, यस सर, वहां पे मोटर के साथ पंप नहीं अलाइन कर सकते, हो सकता है टर्बाइन को अलाइनमेंट कर देंगे, किसी चीज को अलाइनमेंट तो करेंगे, तो डिपेंडिंग करता है। हम मेरा बहुत पुराना बैच का लगा था, वो बोल रहा था कि मतलब सर 12 घंटा लगातार है, बड़ा मुश्किल होता है टर्बाइन में, वो पढ़ा एसी का और बहुत अच्छा लगा था, मतलब कि पहला लगता था उस टाइम जो ए ग्रेड लाया था प्रैक्टिकल 100 में 100 मिला था उसको, उस वक्त तक का पहला लड़का था, जो पहला लड़का था जो 100 और था 100 लाया था प्रैक्टिकल में, क्या भाई तो मतलब उनसे पूछा गया कूलिंग टावर का टाइप्स, तो कूलिंग टावर का टाइप्स बताया, फिर उससे उससे वोल्टा के इंजीनियर था वो उसके डिटेल में घुसते गए, तो पूरा हर एक चीज बताते गया, मतलब कभी उस वक्त उसको भी खुश होता है जो इंटरव्यू दे रहा है कि हाँ डेप्थ नॉलेज लिया है, और वो पढ़ा लेकिन वो उसी वक्त ऑलरेडी काम करने लगा था, घर का हालात सही नहीं था, तो ओडिशा ओडिशा कहीं सोर्स लग गया था, पावर प्लांट में एक दिन का 1000 रुपया निकला था, सिर्फ टेक्नीशियन का हेल्पर रहता था और बढ़िया खाना पीना, समझ में आ रहा है? लेकिन एसी का कोर्स में भी वो वहां से भी उस वक्त ऑनलाइन चल रहा था, उस वक्त हम लोग कोरोना के जस्ट बाद ऑनलाइन चलता था, तो वो ऑनलाइन में ही ज्वाइन कर रहा कि क्लास भी किया और जहाँ पर ऑनलाइन पे काम कर रहा है करता था वो बता रहा था, और अलग अलग इंडस्ट्री में एक्चुअली करना भी पड़ता है तो पता है, लेकिन अपना वाला अलाइनमेंट उतना टफ नहीं है, हो जाता है, क्यों ये टफ का जो बात बोल रहे ना, ये टफ क्यों होता है बताते हैं, अलाइनमेंट का ना दो चीज होता है, ये पार्ट लिख रहे हो, ये कुछ चार्ट है इनको समझने की कोशिश करो, पहला क्या आरपीएम, आरपीएम कौन बताएगा क्या होता है आरपीएम, हाँ बताओ जी, रोटेटिंग प्रति मिनट, थोड़ा सा रिवॉल्यूशन पर मिनट, रोटेशन पर मिनट, अब रोटेशन पर मिनट का मतलब कौन बताएगा, हाँ बताना चलो सर, 1 मिनट में कितना बार घूम रहा है, 1 मिनट में कितना बार घूम रहा है, रोटेशन पर मिनट,
मतलब एक बार में कोई भी चीज कितना बार चक्का गाड़ी चलाते ना बाइक बाइक में एक स्पीडोमीटर होता है स्पीड बताता है दूसरा वाला एक कुछ होता है 1 से 12 तक लिखा रहता है काटा जाता है वो क्या रहता है किसका आदमी चक्का का अगर बताएगा तो देखना जब चालू करोगे ना गाड़ी तब जीरो रहेगा चक्का गाड़ी इंजन कितना स्पीड में अंदर में घूम रहा है इंजन में तो पावर के लिए चेन के पास जरूरत है ना उससे पहले क्लच से पहले वाला जो पार्ट है वो कितना स्पीड में घूम रहा है तो ये 1 से लेकर 12 तक लिखा रहता है देखे हो कोई ध्यान से देखे हो सर 1 से 12 नहीं चल रहा था ना टिकट या 15 भी है 15 रहता है बड़ा बड़ा
2 mm भी हो इधर उधर चल जाएगा, बट एरिया एप्रोन में रहेगा तो 1 mm तक का गुंजाइश रहता है। मतलब हो सकता है आदमी तो लगाएगा तो ह्यूमन पे एरर आएगा, मतलब स्टैंडर्ड जहाँ जहाँ है वहाँ का बढ़ जाता है स्टैंडर्ड। अब जरूरी इंडिया में हर एक जगह काम, इंडिया में ताज का काम कर रहे हैं, ताज होटल का काम कर रहे हैं, तो वहाँ पे गलती का गुंजाइश और कम रहना चाहिए। समझ आ रहा है? सब का स्टैंडर्ड है कि बोर्ड कहाँ पे लगेगा, लाइट कितना दूरी पे होना चाहिए, सब का स्टैंडर्ड होता है, लेकिन उसमें भी कुछ मार्जिन होता है कि मार्जिन ऑफ एरर इतना हो सकता है आपका। समझ आ रहा है? तो अगर हम जब अलाइनमेंट करेंगे तो इसमें भी मार्जिन ऑफ एरर अलाउड है। अब कितना मार्जिन ऑफ एरर है थोड़ा सा ध्यान देना, ये दो तरीके का वैल्यू है, इसके बारे में आएंगे। लेकिन देखो इसको मोटा मोटी, मतलब ज्यादा अभी समझना नहीं है, मतलब ये देखो 1000 चल रहा है तो ये 0.10 है, 0.13 अलाउड है, मतलब इतना एक तो ये वाला अलाउड है, ये वाला अलाउड है, मतलब दो तरीके का गलती अलाउड है, ये दो तरीके का गलती है, उसका कितना वैल्यू अलाउड है 0.10 0.13। जैसे स्पीड बढ़ाए 1000 से 2000 में, देखो ये वैल्यू कम हुआ, ये वैल्यू कम हो रहा है। जैसे और है यहाँ पे 0.06 हुआ, 0.05 हुआ, है ना, जैसे और कम आए 0.05, ये वाला एकदम कम कर दिया, मतलब है ना, समझ में आ रहा है कि गलती का गुंजाइश स्पीड बढ़ने पे कम होते जा रहा है। तुमको अपना जब भी अलाइनमेंट करोगे तो यही दो वैल्यू मिलाओगे, इसके बारे में हम आएंगे, लेकिन वो कितना तक गुंजाइश होगा तो चलेगा, पास हो जाएंगे। जैसे होता नहीं है यहाँ पे एग्जाम में दोगे तो 61 से ऊपर आ रहा तो पास हो जाओगे, 61 से कम आ रहा तो फेल। तो यही मार्जिन बता रहा है एरर का, कितना गलती तक आ रहा है, इससे कम आ रहा है चलेगा, मतलब ये गलती है ना, गलती कम होना चाहिए ना, मार्क्स ज्यादा होता है, एक लिमिट लेवल से ज्यादा होना चाहिए, गलती इस लेवल से कम होना चाहिए, इस लेवल तक आया तो बाहर ड्रॉप आउट, और समझ में आ रहा है ना कि ये वाला गलती देख ली है ड्रॉप आउट, तो उस वही है मार्जिन ऑफ एरर। एरर में हमको उससे बिलो रहना पड़ता है, इससे ज्यादा गलती हम नहीं कर सकते, ये मैक्सिमम लिमिट है, इससे ज्यादा होगा कुछ वैल्यू नहीं होगा, इससे अंदर में रहना चाहिए। समझ में आ रहा है ये बात? अब ये दोनों क्या है उसके बारे में देखते हैं।